आंध्र प्रदेश के प्रमुख महोत्सव समरालू में शामिल होने अपने समर्थकों और भिलाई वासियों के अनुरोध और आमंत्रण पर सोमवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आंध्र प्रदेश के पलासा जिले के लिए रवाना हुए। आंध्र प्रदेश में हर 5 वर्ष पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे समरालू कहते हैं। इस महोत्सव में प्रत्येक गांव के ग्राम देवता एवं इष्ट देव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महोत्सव मनाया जाता है। आंध्रवासियों का मानना है कि ऐसा करने से ग्राम देवता अपने गांव की रक्षा करते हैं और कोई भी विपदा नहीं आने देते, इसलिए इस महोत्सव में गांव के बाहर गए हुए लोग भी महोत्सव के समय गांव में पहुंच जाते हैं और अपने ग्राम देवता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। भिलाई में निवास करने वाले प्रवासी आंध्रवासी भी इस अवसर पर अपने गांव जाते हैं। इस बार प्रवासी आंध्रवासियों ने अपने लाडले विधायक देवेंद्र यादव को भी इस महोत्सव में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उनके साथ इस महोत्सव में अपने विधानसभा क्षेत्र शहर और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना लेकर अपने समर्थकों और कुछ आंध्रवासियों के साथ शामिल होने के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। उन्होंने इस महोत्सव में शामिल होने के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया। देखिए, ऐसा है कि भिलाई मिनी भारत है। इस मिनी भारत में देश के हर प्रांत हर जगह के लोग रहते हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसमें पूरा भारत बसता है। आज मुझे आंध्रा के अट्टुपल्ली गाँव में जाने का मौका मिल रहा है, समरालू में। वहाँ के यहाँ हमारे जो भिलाई वासी है जिनके वहाँ पे गांव है, उन लोगों ने इनवाइट किया है पूजा के कार्यक्रम में, तो ये सौभाग्य की बात है और बड़ी खुशी है। और बहुत सारे आंध्रा समाज के हमारे साथी साथ में चल रहे हैं और आंध्र के साथी हमारे साथ चल रहे हैं और सब के मन में उत्साह है क्योंकि इनके पूर्वज ग्रैंडफादर्स वहाँ जो समुद्र के किनारे इनका गाँव है वहाँ से भिलाई स्टील प्लांट की जब स्थापना हुई तो शुरुआती समय में यहाँ पर आए, इसके यहाँ देरी पर जनरेशन उनकी बस गई और इस भिलाई स्टील प्लांट को बनाने के लिए खून पसीना समाज के लोगों ने लगाया, सर भारत के समाज के लोगों ने लगाया, उनमें से बहुत बड़ा योगदान आंध्रा समाज का भी है। मैं सब मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसे शहर का जनप्रतिनिधि हूँ जो अपने अंदर पूरे देश को समाया है और अवसर देता है कि देश की अलग अलग जो हमारे देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरह का खान पान, अलग तरह का पहनावा, अलग तरह की संस्कृति, पूजा पाठ करने के तरीके, ये सबको देखने का मौका मिलता है, अनुभव मिलता है। विगत 3 वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश में यह महोत्सव होना था परंतु वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से यह महोत्सव नहीं हो पाया और अब 8 वर्षों के बाद यह महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।